आरती जी, एक और सवाल आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि हमने भी आपके दरवाजे पे कई बार आए हैं और आज भी जो आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो खिलकर सामने नहीं आता है, क्यों इतना उदास रहती है? सब लोग हमसे पूछता है, वीडियो लगाएंगे फिर लोग कमेंट करेगा कि सवाल क्यों नहीं पूछते हैं आरती जी से, चेहरे की मुस्कुराहट क्यों गुम हो जाती है, क्यों परेशान रहते हैं, दिक्कत कहाँ रह जाती है, क्या दिक्कत है जिस कारण से आप सामने खुलकर हंस नहीं पाते हैं आज तक? मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ ऐसी दिक्कत है कि जो कि हम कोई भी चीज़ का सामना नहीं कर पा सकते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ है। और हम लोग हंसने की कोशिश करते हैं तो इसमें भी सवाल उठते हैं, नहीं हंसने की कोशिश करते तो इसमें भी सवाल उठते हैं। तो दुनिया की सोच है, हम किस तरह रह रहे हैं, हमारे अंदर क्या है, तो हम जानते हैं, हम लोग कैसे रहते हैं घर में हम लोग जानते हैं, दुनिया को बताते हैं फिर भी दुनिया गलत कहते, नहीं बताते फिर भी गलत है। तो चलिए दुनिया की सोच है, सच्चाई के साथ खड़े हैं ना तो इनको गलत ठहराया जाता है, वही आज ये हथियारों के साथ हो जाते फिर भी इनको गलत ठहराते कि मतलब अपने पति का साथ नहीं दिए। जी आज ऐसा लड़की थी कि एक लड़का को मरवा दे आज इनके साथ, तो भाई जो जैसे बोलते हैं बोलने देते, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सच्चाई है सच्चाई से कभी अरेंगे नहीं, चाहे मेरी जान भी चले जाए उससे कोई दिक्कत नहीं, जान भी चली जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी सच्चाई पे हैं तो सच्चाई पर ही रहेंगे जब तक मेरा जिंदगी रहेगा। अच्छा, जो लोग आदमी आए बहुत बड़े बड़े आश्वासन देके गए, कुछ भी नहीं किए। कई लोग तो कमेंट ये भी करते हैं कि जो कुछ भी हुआ इसके जिम्मेदार आरती है। सबसे पहली बात तो हम बोल ही दें कि दुनिया की सोच है, हमें क्या बीतती है अंदर में और क्या हुआ है मेरी लाइफ में हम जानते हैं, मेरे सिवा कोई और नहीं देखे, हम अपने खुद आंखों से देखे हैं जो भी कुछ हुआ है, तो मेरे अंदर परेशानी है। दुनिया को सही बताएंगे फिर भी गलत, नहीं बताएंगे फिर भी गलत, तो दुनिया की सोच को बदल नहीं सकते हम लोग। आज घटना के कई साल हो गए? आज 2 साल हो चुके हैं। 2 साल हो गए, एक बार भी आप अपने घर की तरफ मूव नहीं किया? जी नहीं, आप लोग तो सब दिन देखते ही होंगे वीडियो सब, और हमारे घर तो हर एक दिन मीडिया वाले भाई सब आते ही रहते हैं, क्यों करें, जब वो उधर करने के रहते तो इस तरह का घटना ही नहीं करते हैं। यानी कहीं ना कहीं आज भी जो आरती की जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो कम नहीं? जी नहीं, कभी कम नहीं हो सकते हैं। क्या लगता है, क्या कुछ आगे होने वाला है, क्या कब तक चेहरे की मुस्कान लौटेगी? मुस्कान लौटने क्या बात है, ऐसे तो हम लोग बहुत हंसने की कोशिश करते हैं, आप लोग वीडियो में देखते हैं हमारे वीडियो में कि ऐसा ऐसा शॉट है कि हम हंसते रहते हैं एनी टाइम, लेकिन कभी कभी ऐसा दर्द आता है कि हंसने पे भी नहीं हंसा। कभी कभी कुछ ऐसी बातें याद आ जाती हैं जो सब हंसी फीका पड़ जाती है। जी अच्छा अच्छा और क्या कुछ नया आप लोग करने वाले हैं आने वाले वक्त में, क्या कुछ नया होगा वीडियो के माध्यम से? वक्त में तो अभी नहीं बता सकते, क्षण में क्या होता है कोई इंसान नहीं बता सकते, हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि हम लोग के साथ इस तरह का घटना होगा, हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि इस पे केस होगा और आज इतनी बड़ी मुश्किल से हम लोग निकलेंगे, तो अभी कैसे बता सकते। सासू माँ, ससुर, आपकी ननद, मन्नू जी का कितना साथ, कितना प्यार मिलता है? ये तो बता नहीं सकते कितना साथ, आप लोग तो देख ही सकते, इतना तो ऐसा घर मिलेगा माँ बाप ननद पति तो वो तो घर स्वर्ग से ही बढ़ के है, आप लोग देखे करते हैं, हमको सबका प्यार दुलार बहुत ज़्यादा मिलता है, इतना मिलता है कि हमें कोई चीज़ का एहसास नहीं होने देते, लेकिन फिर भी अंदर का पीड़ा ख़त्म होने वाला नहीं है। अच्छा, एक और सवाल है, हम बस ये पूछना चाह रहे हैं, क्या कभी मम्मी पापा भैया दादी माँ की यादें आती हैं तन्हाई में? ठीक है ये बड़ा प्यार आपको मिल रहा है, लेकिन माँ और बेटी का जो रिश्ता होता है, पापा और जो बेटी का जो रिश्ता होता है, वो एक बड़ा दिल लगी वाली होती है, बड़े दिल वाली होती है। 20 साल पोसे पाले हैं, जन्म दिए हैं कि 9 महीना कोख में रखे हैं, हम भी सारी बात समझते हैं, ऐसी बात नहीं कि इतनी बच्ची भी नहीं कि हम कुछ भी नहीं समझते हैं, सारी बात हम भी जानते हैं कि जितना इतना पीड़ा हर एक इंसान को याद आती है, लेकिन ऐसा गलती किए हैं कि उस लायक नहीं छोड़े हैं। यानी कहीं ना कहीं जो गलतियां आपके परिवार की तरफ से हुआ, आपके पापा की तरफ से हुआ, भैया की तरफ से हुआ, उस गम को आप भूल के बाहर नहीं निकल पा रहे? नहीं निकल पा रहे, कैसे निकल पाएंगे, इतनी बड़ी गलतियां, इतनी बड़ी गलतियां करके भी आदमी को पश्चाताप होते हैं, लेकिन वो सबको कभी जिंदगी में पश्चाताप नहीं हुआ, और इतना भी कोशिश नहीं किए कि उस घर में हमारी बेटी है, कुछ जो गलती हुआ हो गया, अब माफ़ी कर देंगे, लेकिन इतना भी नहीं हुआ, पूरा सब दिन घमंड मेरा। तो जो पिताजी माताजी भाई आज 20 साल से हमें घर में रख के गलती भी करके उनके साथ पश्चाताप ना आए तो हमें क्या हो सकते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं अब चाह करके भी उन बातों को जी नहीं। अच्छा,
अच्छा, बीच में एक वीडियो आपका वायरल हो गया था, काफी लोग पारिवारिक मैटर था। अच्छा। आपका बोलने से पहले ही समझ गए, मारपीट वाला था। हाँ, हाँ, हाँ। तो थोड़ा सा ऐसे इनका नाखून अभी भी देख सकते हैं कितना ज्यादा बड़ा है। तो ऐसे करके पकड़े ना, कोई भी होता है जैसे कि हम अभी मायूसी है पूरा, तो कोई भी इंसान है एक मायूसी के कारण जो है पूरा घर में खाना नहीं बन पाता है। दीदी रह रही है घर में, खाना नहीं खा पाते हैं, पूछिएगा उसे कितना ज़्यादा गुस्सा। अधिकतर तो खैर जो रियलिटी हम बता रहे हैं, हम उस वीडियो में भी बताए हैं कि अधिकतर मेरा ही गुस्सा होता है, कोई भी का गुस्सा होता है मन्नू पे, मतलब कोई भी गुस्सा। तो हम इस पे नहीं झाड़ेंगे तो किस पे झाड़ेंगे जाएंगे? ये आप पे झाड़ते हैं कि नहीं झाड़ते हैं? ओ, हमसे कम गुस्साते हैं लेकिन हम सबसे ज़्यादा। आपके सारे नखरे और नजाकत को भाई साहब उठाते हैं? बहुत नखरे उठाए, पति रे पत्नी रे, एक दूसरे का तो उठाना ही पड़ेगा। अच्छा, बात सही है कि नहीं? अच्छा, दोनों में पटता है बढ़िया से, मतलब हो जाता है कभी कभार, कोई भी छान भर के लिए। ज्यादा नखरा किसका रहता है? हम दोनों का रहता है। आप दोनों का रहता है, ज्यादा किसका रहता है ये बताइए? तो मेरा, आपका रहता है? बातचीत मानते हैं सब? हाँ, वो तो मानते नहीं, वो कोई भी चीज़ का नहीं होता। जैसे कि हम अभी मायूसी कोई भी चीज़ का ऐसे रोने लगती, मम्मी भी है तो रोने लगती है, तो इसी में हो जाता है कि इतना काहे रोती है घर में, इतना ज़्यादा एक तो कष्ट क्लेश है ही, ऐसे मत करो, इसी पे थोड़ा बहुत हो जाता। और बाद में कोई भी बात, सब कुछ बढ़िया चल रहा,